असदिनोवेसी, उन्होंने 2010 में ये कहा था कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल अगर पास हो गया तो ये आखिरी नकेल बन जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया की लोकसभा है वो हिंदू लोकसभा बन जाएगी, ये उनका 2010 का बयान था। अब आ जाते हैं इस बार उन्होंने क्या बयान दिया। उनका कहना था यस्टरडे पे उन्होंने ये बात कही कि वो इंडिया की किसी प्राइम मिनिस्टर को हिजाब में देखना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिट हम देखते हैं उनकी ही पार्टी के मेंबर जो थे वो इस चीज के रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन जो बिल लेता उसके अगेंस्ट वोटिंग कर रहे थे। तो इस सारी चीजों से क्या साफ नजर आता है, क्या आप कहेंगी कि जो मुस्लिम हैं ऑपोजिशन पार्टीज में वो क्यों अगेंस्ट हैं, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं, क्या बयान उनके चल रहे हैं? देखिए असदुद्दीन अवैसी की 5 उंगलियां घी में है और सर कड़ाही में है, 2-2 बीवी रखे हैं और बहुत सारे बाल बच्चे रखे हैं। वो जनता की स्पीच में और जनता दरबार में यही मुसलमान मर्दों को बताते हैं कि 12 साल की उम्र में बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। पर अपनी बेटी की शादी वो अब तक नहीं किए हैं, 29 साल क्रॉस कर चुकी है। तो असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग नकाब पहनाने के लिए आंदोलन, औरतों के शादी 12 साल में कराने के लिए आंदोलन, औरतों को घर में बंद करने के लिए आंदोलन, औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने के लिए आंदोलन, औरतों को डिप्राइव करने के लिए आंदोलन, औरतों को कुचलने के लिए आंदोलन, औरतों को जलील और बेइज्जत करने के लिए आंदोलन। अब रही बात कि आपने असदुद्दीन अवैसी का जो जिक्र उठाया है, तो उनकी हरकत ही हमेशा रही है सीना कूटने वाली और छाती पीटने वाली। वो बिना सीना कूटे और बिना छाती पीटे वो कभी भी खुश रही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि इनका जन्म मुहर्रम में हुआ था। हर वक्त हर एक मौके पर रोने के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। अब रही बात के जिस इस्लाम को वो मानते हैं उस इस्लाम के हिसाब से औरत जो होती है वो बच्चा पैदा करने की मशीन होती है, औरत जो होती है वो घर में रहने का और मर्दों के का बिस्तर गर्म करने का सामान होती है। उनके हिसाब से दहाड़ती हुई औरत, चीखती हुई औरत, शिक्षित औरत, सशक्त औरत, एम्पावर औरत, एडुकेटेड औरत, ये तो उन्होंने कभी अपने इस्लाम में पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो फिर वो कैसे बोलेंगे, इस चीज को कैसे वो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अब आती है बात कि 19 सितंबर 2023 में जो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ और जिसका नाम नारी शक्ति वंदन रखा गया जिस बिल का नाम, तो भारत के प्रधानमंत्री के अंदर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अंदर ही इतना करेज था कि वो महिलाओं को अपने शाना बशाना खड़ा कर सके। ये हिम्मत वही रख सकता है जो माँ सीता की पूजा करता है, जो माँ पार्वती की पूजा करता है, जो गंगा में भी माँ को ढूंढ लेता है, ये वही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। और खास करके मुसलमान तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको कहना चाहूंगी कि मुसलमान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए जो अवैसी जैसे लोग जो खड़े होकर के ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो भाई मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहती हूँ कि अगर वाकई में मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो आपके पाकिस्तान में 21% माइनॉरिटी से 1% कैसे चला आया, क्या वजह है? मजहब तो सिखाता है आपस में बैर रखना, तभी तो इब्राहिम अलैहि सलाम बुतों को तोड़ते फिर रहे थे। तो ये सारी चीजें तो मजहब सिखाता है, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ की इंतहा तो इतनी हो चुकी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 बीवियों के बारे में भी इन लोगों ने छुपा दिया है और 4 बीवियों का जिक्र करते हैं, 9 बीवियों का जिक्र ही नहीं करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने 1000 निकाह एक रात में किया था, ये भी ये लोग छुपा देते हैं, ये भी ये लोग नहीं बोलते हैं। तो भाई जो पुरुष, मुसलमान पुरुष आज इस्लाम का डंका पीट रहा है, आज इस्लाम के लिए मातम कर रहा है, आज अपने अपने इस्लाम को बचाने की बात कर रहा है, तो वो तो अपने इस्लाम के बारे में भी बहुत झूठ झाट छुपा रहा है। क्यों छुपा रहे हो भैया? इस्लाम और सच्चाई को छुपाता क्यों है? आप मुसलमान जो सुन्नत रसूल मानते हैं वो छुपाते क्यों है? देखिए आनम, इस्लाम और शैतान दोनों मुसलमान पुरुषों के पक्ष में है।
शैतान हावी होता है तो मौल में मुल्ला आना सेक्स करता है और बलात्कार करता है, इस्लाम हावी होता है इन पुरुषों इन मुसलमान पुरुषों के सर पर तो ये चार शादियां करते हैं, हलाला करते हैं, निकाह मुत्ता करते हैं, पोली गेमी करते हैं। तो शैतान और इस्लाम दोनों मुसलमान पुरुषों के लिए बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लजीज है। हमें मतलब हर एंगल से जो ठरकबाजी का सामान है वो मुहैया हो जाता है। भारत में 70 करोड़ से ऊपर नारियों की पॉपुलेशन है। हमारी जो नारियां हैं भारतीय नारी है वो 70 करोड़ से ऊपर यहाँ पर आबादी में है, 48.41% है। तो अब ऐसे वक्त में अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अगर सशक्त किया है, उनको अगर हिम्मत दी है, अगर उनको 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 शक्ति दी है, उनको एम्पावर कर किया है, उनको इज्जत दी है, उनको मान दिया है, मर्तबा दिया है, मर्यादा दिया है, तो इनके पेट में तो दर्द होगा ना। जाहिर सी बात है अवेसी जी के और अवेसी जैसे लोग जो दाढ़ी टोपी लगाकर घूमते रहते हैं इनके पेट में तो दर्द होगा, क्योंकि इन्होंने तो बचपन से यही सुना है ना और पढ़ा है कि औरत का काम है घर में छुप करके रहना और अपने मर्द को खुश रखना, और अल्लाह की देन के हिसाब से वो जितने बच्चे पैदा करवाएगा अपने हॉर्मोन को सड़ा करके उसके लिए उतने बच्चे पैदा करते रहना है। तो जो मर्द बचपन से अपने इस्लामिक किताब में ये सीखते हुए चला आया है वो क्या समझेगा कि औरत को एम्पावरमेंट को क्या को किस तरह से डिफाइन करना चाहिए या औरत को कितना सशक्त बनने की बातें करनी चाहिए। अब अनम आपने क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की बात कही है तो मैं आपको एक और बात बता दी चलूँ कि असदुद्दीन अवैसी एक ऐसे दुखियारे इंसान है, एक ऐसे पीड़ा और दर्द वाले इंसान है कि अगर वाकई में भारत के मुसलमान वाकई में इनको सपोर्ट करते तो अवैसी जैसा और भी 4-5 तो पैदा होता ना भारत में। क्यों एक अवैसी साहब ही रह रहे हैं संसद के अंदर, हमारी सभा के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, सिर्फ एक अवैसी साहब ही क्यों चिल्लाते रहते हैं? अवैसी जैसे मुसलमानों ने 10-12 क्यों नहीं पैदा किए आज तक? देखिए, जलन, हसद, झूठ, फरेब, ठरकबाजी, वाहियातगिरी, बेशर्मी, बदतमीजी, ये सारी चीजों का लानत का तौक, ये सारी चीजें जो है ना ये मुसलमान का जन्मसिद्ध अधिकार है। मुसलमान मर्दों ने ये अधिकार लेकर के ये जन्म हुए हैं माँ के कोख से कि हम जमीन पर धरती पर आने के बाद हम सिर्फ यही सब करेंगे और इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। औरत को कैसे नीचा दिखाना है, औरत को कैसे जलील करना है, औरत को कैसे बेइज्जत करना है, औरत का मान मर्तबा कैसे चूर चूर करना है, औरत को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारे गुण मुसलमान मर्दों में होते हैं। आपको मैं एक बात और बताती चलूं कि जब ये औरत के साथ जब मुसलमान पुरुष बलात्कार करते हैं या उसके साथ हम बिस्तरगी करते हैं तब ये नहीं पूछते हैं कि तुम कौन से खानदान से आ रही हो, पर जैसे ही निकाह पढ़ने की बात आती है तब इनके दिमाग में आता है कि तुम्हारा खानदान कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी है कि नहीं है, तुम पतली दुबली हो के नहीं हो, तुम तराशी और खराशी हो के नहीं हो, तुम कितना जहेज दोगी, बार बार मुझे कितना फिनेंशियल जो है हेल्प जो है वो मेरे ससुराल से मुझे मिलेगा। तो ये सारी लाइन जो है वो तब लगाते हैं मुसलमान पुरुष जब वो निकाह पढ़ने वाले होते हैं, पर बलात्कार करते वक्त उनको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। बड़े मजे में आराम से बलात्कार करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो बड़ी मोहब्बत से कहते हैं कि असल में मेरे सर पर शैतान हावी हो गया था इसलिए मैंने बलात्कार कर दिया था। तो देखिए, अवैसी साहब बहुत खुदा परस्त है, बहुत अल्लाह परस्त है। अवैसी साहब ने जिहाद पढ़ा है, अवैसी साहब ने फसाद पढ़ा है, अवैसी साहब ने औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने के बारे में पढ़ा है, अवैसी साहब ने औरतों को खेत बोलना पढ़ा है, अवैसी साहब ने औरतों को लौंडिया बोलना पढ़ा है, अवैसी साहब ने औरतों को बांदिया बोलना पढ़ा है। तो अवैसी साहब के मुँह से हिजाब, नकाब, खेत, यही सब निकलेगा और क्या निकलेगा। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि हमारे भारत में चंद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को खुश करने के लिए आंखें मीच मीच करके बड़े ही लंबी लंबी भाषण देते हैं। और आपको मैं एक और खुशखबरी सुना देती हूँ अनम, कि अवैसी साहब आपके ही लोग हैं। अवैसी साहब एक ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं
जिनके सभा में, जिनके पॉलिटिकल स्पीच में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, आपको पता है ये बात, जिनकी सभा में औरंगजेब जिंदाबाद का नारा लगता है, जिनकी सभा में मोदी जी को मलाइंग और डिफेम किया जाता है, और मोदी जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं की योजनाओं में इनके घर में चूल्हा जलता है, इनके घर में बिजली पानी आती है, और ये कलेजा पीट करके आराम से मोदी जी को गाली दे करके आराम से सोते हैं, इनको सुकून से नींद भी आ जाती है, तो ये ऐसे लोग हैं। बिल्कुल सही मैम, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी और उसके बाद फिर आप बताइएगा, इसी रिलेटेड है, वुमेन जो बिल पास हुआ है, पाकिस्तान मौलवी। गंदगी होती है, रेप होता है, जिना होता है, हर चीज होती है। आगे से एंकर पर्सन ने कहा कि मदारिस में भी तो ये सब होता है, तो उसने कहा मदारिस में होने के बाद उनको सजा दी जाती है। ये अपने से खुद से आए हैं और इतने इतने डंडे मारने चाहिए ना, सुबह उठो 100 डंडा मौलवी मुल्ला को, दोपहर में खाना खिलाने के बाद 1000 डंडा, उसके बाद रात में खाना खिलाने के बाद 1000 हंटर, इनको पैंट पजामा खोल करके इनको मारना चाहिए, तब जा करके इनकी नसें टाइट होंगी और इनका अकल जो है ना वो सही से काम करेगा। ये देखिए, इन्होंने भारत में, मैं पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करूंगी, क्यों करूं मैं, वो तो इस्लामिक देश है, उस इस्लामिक देश में ये बात बताई गई है भैया कि आपको औरत को बिस्तर पर इस्तेमाल करना है, आपको औरत औरत को अपने ठरक का सामान बनाना है। अगर मौलवी ये बोल रहा है तो सही बोल रहा है, वो अपने इस्लाम के हिसाब से बोल रहा है, पर भारत में संविधान होते हुए, भारत में इतना खूबसूरत कानून होते हुए भी आप देखो यहाँ के मुसलमान एकदम आराम से लड़कियां छेड़ते हैं, मोलेस्ट करते हैं, मुसलमान मर्द आराम से लड़की लड़कियों के निकाह करते हैं और उसके बाद फिर उसको तलाक देते हैं, हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, फिर उससे शादी करते हैं, फिर उसको भी तलाक देते हैं। तो ये सारी हटगर्मी 9 साल में जो बंद होने पर आन पड़ी है ना, इसीलिए अवैसी साहब और अवैसी साहब के जैसे लोग जो है ना, वो सीने में उनके दर्द स्टार्ट हो गया है, रुदाली की तरह अपना कलेजा कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, पॉपकॉर्न की तरह गरम गरम खुदक रहे हैं, मेंढक की तरह उछल रहे हैं। देखिए, अब भारत चलेगा तो संविधान से चलेगा, अब भारत चलेगा तो कानून से चलेगा, अब भारत चलेगा तो संसद में बनाए हुए उन तमाम बिलों से चलेगा जो संसद में पास होता है। हमारे संसद में 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सिर्फ 202 लोग दो मुसलमानों ने, एक अवेसी जी और एक अवेसी जी के साथ एक जलील जिलानी, ना कौन थे, जलील जिलानी, जिनको मैं जलील जिलानी बोलती हूँ, तो उन्होंने इस बिल के विरोधिता में वोट किया था। हुआ क्या, तू है कौन भैया, है कौन, दो वोट विरोधिता में, और रिमेनिंग 492 या 93 वोट जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव गए, सपोर्ट में गए। तू है कौन, तेरी औकात क्या है इस भारत में, औकात है क्या तेरी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ ना, कि मुसलमान मर्दों ने अपनी औकात का जनाजा खुद निकाला है, इसमें उनको किसी ने जबरदस्ती किया नहीं है, ये जनाजा मुसलमान पुरुषों ने, मुसलमान मर्दों ने भारत की भूमि पर, भारत की मिट्टी पर अपना जनाजा खुद निकाला है, और इतना अत्याचार मुसलमान औरतों पर किया है, इतना अत्याचार किया है कि अब मुसलमान औरतें कोर्ट, मुकदमा, कचहरी, थाना, पुलिस सब करने पर मजबूर हो चुकी हैं, और जैसे जैसे
अत्याचार सहने सहते सहते जब वो मजबूर हो करके बाहर निकलना स्टार्ट की और बातें कोर्ट कचहरी तक जाने लगी, तब जा करके लोगों को पता चला कि कितनी कुप्रथाएं और कितनी बदतमीजी, तब जा करके पता चला। एक जमाने तक मुसलमान औरतों ने अपने जुबान को बंद करके सारी तकलीफें सही है, एक जमाने तक मुसलमान औरतों ने अपने आप को बेआबरू, बेइज्जत, अपने आप को बिस्तर पर नंगा होते हुए देखा है, पर बर्दाश्त किया है। और जब बर्दाश्त का घड़ा भर जाता है ना, तो वो फट जाता है। और जब ये फटा और तब उनके कदम जब मुसलमान औरतों के बाहर निकले, तब लोगों को पता चला कि घर की चार दीवारी में बाप बेटी का बलात्कार कर रहा है, मामू भांजी का बलात्कार कर रहा है, हलाला के नाम पर ससुर के साथ सेक्स करवाया जा रहा है, जेठ के साथ सेक्स करवाया जा रहा है, दूर के मामू से शादी भांजी की करवाई जा रही है, खाला के मरने पर खालू से भगनी की शादी करवाई जा रही है। तो ये सारी चीजें तब पता चली जब धीरे धीरे शिक्षा आगे बढ़ा और इन कुप्रथाओं को बर्दाश्त करने की क्षमता मुसलमान औरतों में खत्म होती हुई चली गई। तब जा करके जब कदम बाहर निकले, जब जुबान खुली, तब बाहर के लोगों को पता चला। नहीं तो एक वक्त था भाई कि लोग मुसलमानों को बहुत इज्जत दिया करते थे, बहुत मर्तबा दिया करते थे। एक वक्त था कि मुसलमान कौम के बुजुर्गों को लोग बहुत मान मर्तबा से अपने बगल में बिठाया करते थे कि भाई इनका इस्लाम बहुत खूबसूरत बातें बताता है। लेकिन जैसे जैसे पन्ने उलटते गए, जैसे जैसे चिट्ठे खुलते गए, जैसे जैसे सारी बातों के बातों का चीरहरण होता गया, वैसे वैसे पता चलता गया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान औरतों को जलील, बेइज्जत और बिस्तर पर अपनी ठरकबाजियों को पूरा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ना मुसलमान मर्द पढ़ना चाहते हैं, ना मुसलमान मर्द कुछ बनना चाहते हैं, ना मुसलमान मर्द किसी औरत को इज्जत देना चाहते हैं, ना मुसलमान मर्द अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये इनका किया धरा इनके सामने आ रहा है। और असदुद्दीन अवैसी की भारत में कोई औकात नहीं है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कोई औकात नहीं। मैंने आपको बोला ना कि सिर्फ दो मुसलमान थे जिन्होंने जा करके वोट किया, वो भी इस बिल की विरोधिता में वोट किया। अब आप मुझे बताओ कि 542 में दो लोगों ने विरोधिता का वोट किया है और 540 सपोर्ट में वोट गया है, तो भाई आप जितना भी बरसाती मेंढक की तरह अवेसी और उनके लोग उछल ले है तो आप दो ना, तो अपने अपने आप को टीआरपी में लाने के लिए अटंग पटंग कुछ भी स्टेटमेंट देने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। औकात क्या है आपकी भारत में? और आपने अपनी औकात को खुद गिराया है। आज भारत की तमाम नारियां उनके मुंह पर थूक रही होंगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो या वो मुसलमान हो, सारी की सारी नारियां उनके मुंह पर थूक रही होंगी कि भाई तू कैसा इंसान है, जिस माँ के कोख से पैदा हो रहा है उसी माँ के जेंडर को तू हर रोज जलील करता है। क्योंकि ये जलील इसलिए करते हैं आनम, क्योंकि ये अपनी माँ को भी इज्जत नहीं देते हैं, इसलिए जलील करते हैं। बिल्कुल सही मैम। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने कहा कि वुमेन्स जो हैं मुस्लिम हो या जो उनसे भी लड़कियों की बात करूंगी मैं, औरतों की बात करूंगी, हिंदुस्तान के अंदर अब जो है वो खुश है और उनके लिए बड़ा कुछ किया जा रहा है। अब इसी खुशी का हम देखते हैं कि एक होती है प्रैक्टिकल ऑफिशियल वुमेन, जैसे आप हैं, आप बाहर जाती हैं, चीजों को समझती हैं, मतलब जानती हैं, हर चीज होता है ना, पता होता है कि पढ़ी लिखी हैं। एक होती है नॉर्मल अनएजुकेटेड घरेलू वुमेन। अब एक वीडियो जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, उसमें अबाया पहना हुआ था, निकाब भी किया हुआ था औरतों ने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मूर्ति कह लो या पिक्चर जो भी वो बनाई हुई थी, और उस पर दूध के साथ दूध गिरा रही थी और दुआ कर रही थी, मतलब इस तरह की जो भी रस्म जो भी होता है वो की जा रही थी। और उसमें मैंने देखा कि मोस्टली जो थी वो नॉर्मल वुमेन्स लग रही थी, पढ़ी लिखी इतनी औरतें नहीं थी, मतलब घरेलू मैं कह सकती हूँ। तो आज क्या वजूहत है कि हर घर की जो नॉर्मल अनएजुकेटेड वुमेन भी है, जो अपने बच्चों को सिर्फ पाल रही है, उसको इलम का तलीम का किसी चीज का नहीं पता, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करके इतनी खुश है, क्या वजूहत है? और यही बिल की वजह से ये वीडियोस वायरल हो रही है। मौलाना तो अगर मुझसे भिड़ जाए
तो मैं तो नंगा कर करके मैं पिछाड़ पे मारू, पिछवाड़े पे मारूंगी मैं नंगा कर करके, दो पांच दिन चेयर पे नहीं बैठ पाएगा और ना ही बेड पे बैठ पाएगा अपना सटा करके। तो मैं बहुत तो सोफिस्टिकेट बात करती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे इनके तरीके से बात करना भी आता है क्योंकि मैं ऐसे लोगों से बहुत मेरा सामना होता है, बहुत ज्यादा सामना होता है। तो इनकी जो जुबान है वो तरीका भी मुझे आता है इनसे बात करने के लिए। तो ये तो भाई पाकिस्तान के जमीन पर वो क्या मीडिया को बोल रहा था, यहाँ हमारे भारत में अगर इस टाइप के मौलाना मीडिया में ये बात करते हैं तो हम जैसी लड़कियां इनको नंगा कर देते हैं, नंगा कर देते हैं, कोई लिहाज कोई मुलाहिजा। ऐसे ऐसे चिटिंगबाज, ऐसे ऐसे बदतमीज, ऐसे ऐसे थरकी मौलानाओं के लिए 1% भी लिहाज मुलाहिजा रखने की जरूरत किसी को भी नहीं है। और मैं अपने भारत की बेटियों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस पल जिस लम्हा जिस वक्त इस टाइप के मौलाना ऐसी वाहियात बात करे उसी वक्त नंगा करे इसको, कहीं एकदम छोड़े ना, क्योंकि अब वक्त आया है कि इनको इनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। बहुत हो गया ये दाढ़ी टोपी का नौटंकी, ये दाढ़ी टोपी का नाटक, ये ड्रामा, ये मुजरा खाना, बहुत बहुत हो गया। अब रहना है भारत में तो शांति से संविधान मानकर रहना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलकर रहना पड़ेगा, नहीं तो भैया निकल, पाकिस्तान तेरे लिए है वहां पर, चल फुट। हम लोग ऐसे हैं भैया, जो जिस भाषा में आनंद समझेगा, नाजिया इलाही खान उस भाषा में समझाने को तैयार है। अंग्रेजी में बात करेगा अंग्रेजी में करूंगी, अरबी में बात करेगा अरबी में करूंगी, फारसी में करेगा फारसी में करूंगी, बंगाली में करेगा बंगाली में करूंगी, हिंदी में करेगा हिंदी में करूंगी, उर्दू में करेगा उर्दू में करूंगी। पर जो जैसी भाषा में समझेगा उसको वैसी भाषा में मुझे समझाना बहुत अच्छे से आता है। और इनका मुजरा कम से कम नाजिया इलाही खान, तो ये दाढ़ी टोपी वाले मुल्लों का मुजरा तो मैं और नहीं देख सकती हूँ, मैंने तो सर में कफन बांध लिया। हालांकि मुझे ये पता है ना कि जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा ना उस दिन ये लोग इमरती बांटेंगे सब, चाहे पाकिस्तान के हो मौलवी मुल्ला मुसलमान मर्द, चाहे हिंदुस्तान के हो भारत के हो, ये लोग इमरती बांटेंगे मुझे, मैं जानती हूँ। लेकिन जितने दिन मैं हयात में हूं मैं इनका मुजरा खत्म करती रहूंगी, ये मौलवी मुल्लाओं का, ये मैंने ठाना हुआ है।